बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां विमला प्रसाद का निधन हो गया है। उन्होंने गुरुवार देर रात अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए नागेश्वर कॉलोनी स्थित उनके आवास पर रखा गया है और रविवार को दिग्या घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। खबरों के मुताबिक केंद्र मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां ने पटना के पारस अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो पिछले 2 महीने से काफी बीमार चल रही थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने पिछले 2 महीने से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते पहले दिल्ली में इलाज के बाद उनका पटना स्थित आवास पर ही एक मिनी आईसीयू बनाकर इलाज किया जा रहा था। वहीं उन्हें 2 महीने पहले हालत ज्यादा खराब होने पर पटना के ही पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें, केंद्र मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां के निधन पर बीजेपी नेताओं ने शोक प्रकट किया है। न्यूज़ डेस्क।